हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास एक दो तीन चार एक पांच पांच तल्ला वाला ये झुमका है और इसका आज हमको दाढ़ी बनाना है। यानी ये जो ठोस दाढ़ी इंग्लिश दाढ़ी है, इसके अंदर पोला दाढ़ी बनाना है जो पेस्ट लगने वाला होता है। बहुत सारे कस्टमर को ये दाढ़ी पसंद नहीं होता है। ये अभी एकदम न्यू है, एक बार भी यूज नहीं किया गया है। अब इसको दाढ़ी बनाने से पहले ये ध्यान देना है कि इसका मीना उना खराब ना हो, और मीना के साथ साथ आपका जो फास्टिंग है, फास्टिंग ना खराब हो, आपका छिलाई ना खराब हो, आपका इस पे जो पॉलिश हुआ है जीपीसी वो ना खराब हो, सबको बचाना है। तो इसका दाढ़ी बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इसको गर्म कर नहीं उखाड़ना है, ठीक, क्योंकि आज कम से कम देना है। तो इसको जड़ से एकदम काट लीजिए, देख सकते हैं आप, ये दाढ़ी बनाने के लिए हमने निकाल रखा है, ठीक। इसी प्रकार इसको भी काटेंगे। हो गया, ये दोनों काटने के बाद आज हम दिखाएंगे दाढ़ी बनाकर। मेन हमारा एक काम है कि इसको हम दिखाएंगे कि दाढ़ी आप इसको ज्वाइंट कर कैसे कर सकते हैं। दाढ़ी पूरा बनाने में तो समय लग जाएगा, तो थोड़ा वीडियो हम अगर, क्योंकि वो तो सभी कारीगर भाई को आता है, दाढ़ी बनाना बेलना तो सभी को आता है, तो फिलहाल भी हम इसको गलाने तक दिखाएंगे। देखिए ये सोना गल गया, अब हम इसको पीट लेंगे। फिर एक बार हम इसको तपा लेंगे। फिलहाल अब इसको हम जा रहे हैं बेलने, तो थोड़ा समय लगेगा दोस्तों। बेलकर हम दाढ़ी मोड़कर लाएंगे, उसके बाद जोड़कर आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने इसका साइज का दाढ़ी बना रखा है, पोला दाढ़ी, और इसको अब हम ज्वाइंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इसके लिए आपको ये रुई होना बहुत जरूरी है, ठीक। रुई होने के लिए आप कोई भी एक पीस ले लीजिए, आप ऐसे इसको लगा लीजिए। लगाने के बाद इसके ऊपर सुहागा पानी लगाइए, यहां पर जहां पर ज्वाइंट करना है, ऐसे देखिए। सुहागा लगाने का तरीका ये लगना चाहिए अच्छे से। अब आगे पीछे इसे चुमटी कीजिए, क्यों कीजिए कि सुहागा अच्छा लगना चाहिए और ज्यादा नहीं लगना चाहिए, चुमटी में उठ भी जाता है। देखिए थोड़ा सा लगा है बस, और अब हमको बस इसी पर, और इसके साथ ये भी ध्यान दीजिए कि जो इसके अंदर घुघरू वगैरह है सबका सीधा रहे डायरेक्शन, नहीं तो अगर उल्टा सीधा पड़ा हुआ है तो कोई शॉर्ट कर जाएगा, कोई टेढ़ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, इसको ऐसे होना चाहिए। और इसके अंदर जो मीना है, मीना को दबना नहीं चाहिए, तो दबना नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस रुई को एक अलग ऐसे खाल करेंगे हल्का सा, और यहां यहां पहुंचा रहेगा, यहां पहुंचा रहेगा, बीच में एक खाल रहेगा, ए यह हो गया। इस मीना से मतलब नहीं है, लेकिन यहां के मीना से मतलब है, इस पे खाली आंच देना है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमको एक छोटा सा फरका टाका रखना है, जिसको पहले गोली बनाना है,
हो गया। और हमको ये दाढ़ी भी ले लेना है एक। तो दाढ़ी, दाढ़ी का हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाया, गलाने तक ही दिखाया, क्योंकि इसको मशीन में बेलकर या आप पीट कर बना सकते हैं। तो देखिए भाइयों, हम पीट कर नहीं बनाते हैं, हम रोलर मशीन में इसको बेलकर ही बनाते हैं। तो आप कैसे बनाते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप इसके विषय में ज़्यादा जानकारी लेना चाह रहे हैं कि कितना इसका गेज मोटाई रखना चाहिए और दाढ़ी बनाने का पूरा प्रक्रिया, तो इस पर भी वीडियो हम बना देंगे। अगर आप हमसे डायरेक्ट कंसल्ट करना चाह रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, तब भी देखिए इसके अंदर हल गया, टाका निकालना पड़ेगा अब। हाँ निकल गया। तो ध्यान से देखिए, हम बारीकी यही दिखा रहे हैं कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए बहुत हल्का आंच देना है, ये याद रखिएगा। देख सकते हैं हमारा टाका बैठ गया, यानी आधा से बेसी बैठ गया। आपको एकदम लाइव दिखा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए हल्का सा सुहागा लगाएंगे इसमें, गाढ़ा वाला हल्का सा। इसका फुल ट्रेनिंग के लिए देखिए इसको फूंक के बाहर निकाल दिए, यानी इसके अंदर सुहागा भरना नहीं चाहिए, वाइट वाइट। अगर फुल ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं, जो कि सारी बारीकियां बता दी जाती है। देख सकते हैं ये ज्वाइंट हो गया। आपको हम देखिए कहीं भी हटा बढ़ा के नहीं दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, सामने से दिखाते हैं। मीना अभी देखिए जर रहा है, देखिए इसके ऊपर अभी रुई सपना हुआ है, देखिए पोस देंगे, हो गया, कुछ नहीं गया। दूर की बात छोड़िए, ये नजदीक की भी मीना नहीं गया, देखिए पूरा लाइट है ना, कलर गया तंको नहीं, देखिए आप। लेकिन अभी का है, चटका मारेंगे पूरा कलर आ जाएगा। तो चटका मारने का भी फुल प्रोसेसिंग आप सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई मारते हैं चटका तो उनका ज्वेलरी का कलर अलग हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं इस ज्वेलरी में हल्का सा अंतर आ गया। इस पे अंतर क्यों आया है? आंच लगने की वजह से। लेकिन इसके ऊपर का जीपीसी पाली से भी नहीं हटा है, इसके ऊपर का छिलाई नहीं हटा है, इसके ऊपर का फास्टिंग नहीं हटा है, इसके ऊपर का मीना नहीं खराब हुआ है, तो ये सब नहीं खराब हुआ है। लेकिन इसके ऊपर अब कलर ऐसा कैसे आएगा सिर्फ चटका पॉलिश से? लेकिन चटका पॉलिश बहुत ध्यान का है, वो किस ज्वेलरी पर कितना टेम्परेचर देना है, कैसे का करना है, सब उसी पर डिपेंड करता है, तभी आता है। और हम बता दे दोस्तों कि हम जो ट्रेनिंग अब देना शुरू कर दिए हैं कि आप ट्रांसपेरेंट लाही आप कैसे भर सकते हैं, बहुत ही एक चौका चूड़ी में आपका खर्चा मुश्किल से 20 से 25 रुपए आएगा, उससे बेसी नहीं आएगा। मान लीजिए 30 रुपए आ जाएगा, 30 रुपए में आप कम से कम 400-500 रुपया ले सकते हैं ट्रांसपेरेंट लाही भरकर एक चौका चूड़ी में, और बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। और उसके लिए फुल ट्रेनिंग ले सकते हैं कि कैसे भरा जा सकता है, उसका पूर्ण रूप से पूरा ट्रेनिंग का वीडियो बनाया गया है, और एक ही बार में आप जान सकते हैं कि कैसे लाही भरा जाता है, क्या किया जाता है। तो हमसे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने के लिए हमारे चैनल पर जीमेल है, उस पर ईमेल करना होगा, ईमेल पर अपना व्हाट्सएप नंबर देना होगा और किस टॉपिक पर आपको जानकारी लेना है ये बताना होगा। अब इस पर देखिए अभी चटका मराएगा, हो जाएगा।
अभी हम दूसरा भी जोड़कर आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है? तो बने रहिए लाइन पे, अभी हम आपको फिर उसी प्रकार रखेंगे जिस प्रकार हम अभी रखा था। यही है, ये गड्ढा बनना जरूरी है दोस्तों। क्यों बनना जरूरी है? क्योंकि इसके ऊपर हमको बीच में आँच ज्यादा देना है, और सट के रहेगा ना तो फिर आँच नहीं दिया पाएगा, ठीक है दोस्तों? इसी प्रकार देख सकते हैं, ए टाका को हम फिन गोली बनाएंगे, हल्का से गोली बनाना है, पूर्ण रूप से गोली नहीं बनाना है, ये ध्यान दीजिएगा। और भाइयों अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी ज्ञान मिल पाएगा, कोई भी वीडियो हमारा बनता है, क्योंकि हम देखिए वीडियो में यही दिखाते हैं कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो एक कहीं पर भी दिखा सकते हैं, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। कुछ भाई हमारे बहुत परेशान रहते हैं, वो कई साल से चलाई कर रहे हैं और एक ही थ्योरी पर चल रहे हैं पुराने जमाने के, कोई भी गलत अगर बता भी दिया तो उसको मान बैठे दिमाग में कि बस ऐसे ही बनता है, और उनका काम सफल नहीं हो पाता है क्योंकि उनका कोई लक्ष्य ही आगे नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं तो क्या करेंगे। लेकिन जब हमसे बात करते हैं ना डायरेक्ट, तब उनको लगता है ओ नहीं, वो तो वाकई में जिस रास्ते पर जा रहे थे वो गलत था। देखिए सेम प्रोसेसिंग इसके पहले भी, देखिए हमने हल्का सा मेल्ट किया और इसके ऊपर हल्का सा सुहागा लगाएंगे, ठीक? देखिए सुहागा लगा हुआ है, हल्का सा सुहागा लगाएंगे हम और इसको फूंक लेंगे, बिल होना चाहिए इसके अंदर। हाँ अब इसको देखिए पकड़ लेंगे हम, बस अब हल्का सांस देंगे हम फिन, देखिए जुट गया दोस्तों। अरे ज्यादा तीन पांच करना ही नहीं है, अगर हल्का सा अगर आपके अंदर दिमाग है और कलाकारी है ना। देखिए ये भी जल रहा है, ओहो अभी सट जा रहा है हमारा चमड़ी, ये सट जा रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तब भी अच्छा नहीं लगता है, हम चाहते हैं कि छोटा छोटा वीडियो में ही आप सभी को इतना बढ़िया कलाकारी दिखाएं कि आप लोग एकदम अच्छे से देखिए। अभी रुई लगा है, छूट जाएगा सब। देखिए आपको फंड हम दिखाएंगे आपको, देखिए कहीं फर्क है नहीं, नहीं हाँ देखिए ये भी छूट जाएगा, ये रुई सब सट गया है। क्यों सट गया है? कि जब हीट होता है तो चिपक जाता है रुई, देखिए। अब मान लीजिए बाई चांस अगर ये मीना आपका फूल गया तो उसको आप कैसे सही करेंगे? तो उसके लिए उपाय है कि उस मीना को आप निकालिए और नया मीना असेंबल कर दीजिए, ठीक? अगर आप मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि हम मीना उसमें ना लगाएं फिर भी ये मीना बढ़िया हो जाए तो क्या कर सकते हैं? उसके पर हमारा वीडियो बना हुआ आप जाकर देख सकते हैं कि अगर मीना फूल जाए तो उसको फिर रिवर्स कैसे किया जाता है, यानी मीना खराब हो जाए, चितकबरा हो जाए तब उसको आप क्या कर सकते हैं, तो वीडियो बना हुआ है देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आप जाकर कई सारे वीडियो देख सकते हैं जो आपको काम आ जाएगा, और आपको रिपेयरिंग में चार चांद लगा सकता है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास का दाढ़ी ज्वाइंट होता है दोस्तों, ये नहीं हम सटाकर नहीं जोड़कर दिखाते हैं ना, ये नहीं है कि हमने उस पर रख दिया फेविकिप जैसा, ऐसी बात नहीं है। देखिए खींच देंगे नहीं कबरेगा कभी, और इसका लाइव एग्जांपल अगर देखिए ना तो देखिए ये ज्वाइंट कहां तक आता है, देखिए देखिए हम सफा क्लियर कर रहे हैं अभी कैमरा, देखिए यहां से लेके यहां तक पूरा भरा हुआ है, अभी उसके बाद जब डेकड़िया जोड़ेंगे तो पूरा भर जाएगा, और यही पूरा भर जाता है तभी दाढ़ी मजबूत होता है, अगर यह खुला रहेगा तो नहीं होगा। ऐसे तो रेडीमेड वाले में आते हैं बस खाली ये वे इतना भी नहीं भरा रहता, बस नीचे ज्वाइंट रहता है और ऊपर डेकड़िया जोड़कर दे देते हैं,
मुहाना इसका तो जोड़ ज्वाइंट होता नहीं है, तो जिस दिन मुहाना नहीं ज्वाइंट होगा ना पेच लगाने में, वो पेच लगाते जाएंगे दाढ़ी फट्टा जाएगा, पेच लगाते जाएंगे दाढ़ी फट्टा जाएगा। तो हम ऐसा दाढ़ी नहीं बनाते हैं दोस्तों, कस्टमर का काम करते हैं तो बढ़िया से काम करते हैं कि उसका चले कुछ दिन के लिए। तो अभी इसके अंदर हम डेढ़कड़िया दिखाएंगे, आप ये देख सकते हैं ये सोने का डेढ़कड़िया है दोस्तों। ये आप वो वाला मत समझिएगा, बहुत सारे कारीगर भाई क्या करते हैं, तांबे का तार का डेढ़कड़िया लगा देते हैं, वो लाल हो जाता है और वो दाढ़ी का लाइफ भी बर्बाद कर देता है। तो सोने का तार आप खींच कर रख सकते हैं ऐसे, और वक्त पड़ने पर, वक्त क्या, हम तो प्रतिदिन 10 से 12 जोड़ा दाढ़ी बनाते हैं, आप ऐसा स्प्रिंग बना सकते हैं जो इसके साइज का हो। देखिए चल गया ना, सेम साइज का, देखिए सेम साइज का है ना, सेम साइज का चल गया, हो गया ऐसा। तो इसका डेढ़कड़िया आप लगा सकते हैं, और साथ में इस दाढ़ी को बनाने के लिए हमने किस सिलाई का इस्तेमाल किया तो ये देख सकते हैं। तो ये सिलाई क्या गेज में है या क्या नंबर में है, और इसके ऊपर कितना मोटा चद्दर का दाढ़ी आप बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा, और आप दाढ़ी बनाकर बहुत अच्छे इनकम कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर 8 जोड़ा 10 जोड़ा आ गया ना तो दिन भर के लिए आपको काम हो जाता है, और बहुत अच्छा आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर हम डेढ़कड़िया लगाने के लिए शुरू कर रहे हैं, तो फिलहाल हम डेढ़कड़िया कटिंग उटिंग कर ले रहे हैं, बैठा रहे हैं, तो फिर ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। डेढ़कड़िया लगाना एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, इसको आप एक कड़ी काटेंगे यहां से और इसके अंदर डाल देंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम इसका वीडियो बना देंगे, क्योंकि काफी लंबा हो जाने की वजह से दोस्तों बहुत लोग वीडियो पूरा नहीं देख पाते हैं, तो उनको नॉलेज उसमें छूट जाता है, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं कि आप लोग सभी वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप पूरा वीडियो देखने लगेंगे ना तो हम एक ही वीडियो में पूरा ज्ञान देने का कोशिश करेंगे, जिससे कि ज्यादा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, तो इसको अगले पार्ट में हम बनाएंगे, क्योंकि डेढ़कड़िया जोड़ना एकदम आसान है, इसमें भी हम बता दे रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा इतना काटेंगे, देखना है ना, हाँ यहां से काटेंगे, काट के इसके अंदर लगा देंगे, लगाने के बाद एक फरका टाका रख के जोड़ेंगे जो कि यहां तक ज्वाइंट हो जाएगा। तो कारीगरी यही है कि यहां तक ज्वाइंट हो जाए ए पूरा। तो इसको जोड़ने के लिए आपके पास एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है पानी वाला टाका। तो पानी वाला अगर टाका है ना तो आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी, हाँ कुछ भी जोड़ सकते हैं आप, बना सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से, अपना व्हाट्सएप नंबर देके। आप सभी का धन्यवाद।